अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम गुरदीप सिंह देवमान है। मैं MLA हाँ विधानसभा नाभा लोक सभा पटियाला पंजाब। मेरा विधानसभा नाभा है और नाभा विधानसभा जिहड़ा वो दिल्ली ते लाहौर दा सेंटर है, नाभी तो बनिया नाभा जी। और महाराजा हीरा सिंह, महाराजा दमन सिंह होरां दा वसाया शहर है, रियासती शहर है। और 142 पिंड ने, नाभा नगर कौंसल है, एक पासो नगर पंचायत है। और मैं पहली बार MLA बनिया विधानसभा नाभा तो। और बहुत अच्छे लोग ने जी, बहुत ही कमाल के लोग ने। और मैं बहुत वड्डा फतवा दे के उन्होंने मैनू MLA बनाया। और मेरा जिहड़ा शहर है नाभा, मेरा जिहड़ा विधानसभा नाभा जी, वो खेत्रफल जिहड़ा जी, उहदियां जिहड़ियां सड़कां ने सारियां, ये काफ़ी इहदियां हद्दां जिहड़ियां ने 3-4 विधानसभा नूं लगदियां ने। और लंबे समय तो ये विधानसभा दे विच अलग अलग MLA जाए, मिनिस्टर भी बने, पर उन्हां दी जिहड़ी कार्यशैली है जी, वो लोगों नूं उच्चों कोई सुकून नहीं मिलिया, उहदे विचों कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली जिहड़ी कि वह कह सकन कि असीं बहुत वधिया काम किया। सो अपना विधानसभा जिहड़ा नाभा, ये बहुत शहर गंदा सीगा जी, कूड़ा बहुत सीगा, सीवरेज दे पाणी दी प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइटां दी प्रॉब्लम है। तो सब तो पहला मिशन जिहड़ा सीगा कि कूड़ा मुक्त नाभा, वो असी काफ़ी हद तक 80% सक्सैसफुली कर दिता। तो बाकी स्ट्रीट लाइटां दा काम, बस स्टैंड दा काम, सीवरेज दा काम ऑन द वे है। और पिंडां दीआं जिहड़ियां लिंक सड़कां ने, वो लगातार असी बना रहे हैं। पिंडां दे विच पीण वाले पानी दे ट्रीटमेंट प्लांट, STP प्लांट जिहड़े आ, शहर दा गंदा पानी साफ करके खेती वास्ते भेजणगे। ये सारे जिहड़े प्रोजैक्ट ने ऑन द वे ने। और इहदे च जिहड़ा नाभा शहर है, इहदे विच सरकारी दमन कॉलेज है जी, जिहड़ा कि बहुत पॉपुलर है, एक पंजाब पब्लिक स्कूल है जिहड़ा कि पंजाब दा नंबर 1 स्कूल है। और बहुत सारे पॉलिटिशियन पंजाब दे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जिहड़े आ, वह नाभे तो पंजाब पब्लिक स्कूल तो पढ़े हुए हैं। सब तो पहला तो मैं मुबारकबाद देनी चाहुंदा राहुल करार जी नूं, जिन्होंने कॉन्सैप्ट सोचिया और पहली बारी देश दे विच सारे विधायक और MLC नूं इकट्ठे करके एक मीटिंग का उपराला किया, जिहड़ा कि बहुत काबिले तारीफ है। मैं उन्होंने मुबारकबाद देना, बहुत अच्छा कॉन्सैप्ट है, क्योंकि साडा जिहड़ा देश है सब तो वड्डी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया, सब तो वड्डा लोकतंत्र है। और इहदे विच जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे ने, वो देश नूं अग्गे लैके चलदे, देश लई नवें नवें लॉ बनाउंदे आ, लोगों दी उम्मीदां ने, ते सारयां नूं इकट्ठे करके पार्टी लैवल तो उपर उठ के, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ अपने देश लई, अपनी स्टेट लई, अपने उस विधानसभा लई कमिटेड होकर काम करन दा जज्बा पैदा करन वास्ते ये जिहड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा लग्या। और फस्ट टाइम ये प्रोग्राम होया, मैं विशेष तौर पर पंजाब तो नाभा तो ये प्रोग्राम अटेंड किया। और 3 दिन का सैशन जिहड़ा, अज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है, बहुत कमाल का सैशन है, बड़ा कुछ सीखण नूं मिलिया। पुराने जिहड़े पॉलिटिशियन ने, कोई स्पीकर रहे ने, कोई डिप्टी स्पीकर रहे ने, सारिया स्टेटा के अलग अलग स्पीकर जिहड़े ने इस वक्त मौजूदा ने, सारे MLA साहबान, अलग अलग स्टेटा के MLA जिहड़े ने, उन्होंने गलबात करके आदान प्रदान, विचार दा आदान प्रदान करके बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा जी। और वधाई दे पात्र ने राहुल जी, मैं उन्होंने मुबारकबाद देना, और बहुत कुछ सीखने को मिले। और मैं उम्मीद करता कि अगे भी इसे तरीके के जिहड़े प्रोग्राम है होंदे रहेंगे। पहला मैं जिहड़ा मेरा इलैक्शन सीगा, मैं 2012 दे विच पंजाब तो लड़िया सीगा इलैक्शन और मैं हार गया सी। और दूसरी इलैक्शन मैं 2017 दे विच आम आदमी पार्टी दी पहली इलैक्शन सी पंजाब दे विच, उहदे तो मैं लड़ी, मैं फिर हार गया। और तीजी इलैक्शन दोबारा फिर आम आदमी पार्टी तो नाभा तो ही लड़ी 2022 दे विच, और मैं MLA बन गया, विधायक मैनूं चुनिया गया। तो बड़ा एक्सपीरियंस जिहड़ा जी, लंबा समा एक्सपीरियंस दा रहा, पिछले 10 साल संघर्ष किया और लोगों लिए लड़े, लोगों की सैकोलॉजिकली समझ की कोशिश की कि किहड़े मुद्दे ने, किस करके लोग वोट पाते हैं, किस करके आपां पहली पसंद बन सकते हैं, कि लोग मैनू ही वोट क्यों पाउण, वो जिहड़ा विशा सीगा लोगों के लैके गए और दस्सिया कि I'm the best, मैनू तुसीं मौका दिओ, असीं काम करांगे। इलैक्शन जिहड़ी आ कल्ला वोटां लई नहीं जी, कि तुसीं वोट पाओ, ये इलैक्शन है जी, वोट तां एक दिन का प्रोसैस है जी, वो वोट के विचों अगे की कुछ निकलता, वो वोट के विचों सिस्टमैटिकली एक स्टेट का, एक विधानसभा का सिस्टम निकलता, वो वोट के विचों किमें तुसी रुजगार देने ने, किमें तुसी एजुकेशन अगे लैके जाना, किमें तुसी हेल्थ सिस्टम अगे लैके जाना, किमें तुसी लोगों की मैंटैलिटी जिहड़ी है उहनूं तुसी चेंज करना, किमें तुसी एक वातावरण शुद्ध करके तुसी एक चंगी
जिहड़ी जिंदगी लोगों नूं दे सकदे हो और किवें तुसीं एक जिहड़ी पुरानी छवि बनी है, खास करके मैं पहली बार MLA बनिया कि पुरानी छवि बनी है कि MLA रब हुंदा सी, कि लोग MLA नूं रब मानदे सी पर MLA आम किसी नूं मिलदा नहीं सी। उस छवि नूं असीं ब्रेक करन दी कोशिश कीती है कि MLA वी तुहाडे वर्गा और हरेक नूं मिल सकदा। और मैं साइकिल ते रहना जी, मैं साइकिल ते घूमदा, इलैक्शन भी साइकिल ते लड़ी, MLA बनन तों बाद भी साइकिल ते, पर जदों मैं MLA बनिया तां मैं अपनी सहुं चक्कण वास्ते भी नाभे तों चंडीगढ़ साइकिल ते गया। सो एक सिंबोलिक मैसेज देने की कोशिश की है कि आपां जमीन नाल जुड़ के रहिए। और जिहड़ा एक लोकां दा ते पॉलिटिशन दा बहुत वड्डा गैप जिहड़ा कि कम्यूनीकेशन गैप बहुत वड्डा, वो गैप नूं खत्म करन दी कोशिश जिहड़ी आ उह कर रहे हैं और लोग इस चीज़ नूं पसंद करदे आ। जिहड़ी हुण दी पॉलिटिक्स आ इहदे विच लोग उहनूं पसंद करदे आ जिहड़ा लोकां नाल जुड़ के रहिंदा, जिहड़ा उहनां दे वट्सएप दा जवाब दिंदा, उहनां दा फोन चक्कदा, उहनां दी छोटी छोटी गल सुणदा, लोकां दे छोटे छोटे इशू ने ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਣੇ ਨੂੰ 155 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੋਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਓਗੇ, ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਲਕ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, MLA, MP, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮਿਲੂ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੂ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
अपने मुल्क प्रति सोचते हो उदे विच की है ये अगर तरोताज़ा अगर मैं गल करां हुण दे सिनेरियो दी तां अरविंद केजरीवाल दे विच मैनूं गल नज़र आउंदी है जिहदे करके मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की अज्ज मैं बतौरे एम एल ए आम आदमी पार्टी तुहाडे नाल गल कर रहा और उन्होंने हमेशा ही साढ़े ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज च एक लाइन आउंदी है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला गुरु नानक पातशाह ने कहा पूरी दुनिया उन्होंने पैदल घूमी और उन्होंने संदेश दिता सरबत दा भला सारी दुनिया का भला मंगण वाले की झोली कदे खाली नहीं रह सकती अरविंद केजरीवाल साहब सारी दुनिया का सारे देश का भला जिहड़ा उह मंगदे आ कि सारा देश तरक्की करे आओ आपां इकट्ठे होकर अगे वधीए आपां अपने मुल्क नूं अगे वधाईए अरविंद केजरीवाल मेरे आइडल ने और मेरे गॉडफादर ने मैं उन्होंने बहुत मानता और परमात्मा कृपा करे वो दिन आएगा जिदन अरविंद केजरीवाल देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। जीवन दे विच मैं जो मैं छोटा हुंदा सी तां मैनूं लगदा सी कि मैं एक्टर बना तां मैं उहदी ट्रेनिंग भी लई साडे हरपाल टिवाणा साहब ने बहुत फिल्म साथ जिन्हां ने लौंग दा लश्कारा पंजाबी फिल्म है बहुत पॉपुलर फिल्म आ ओमपुरी साहब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया राज बब्बर साहब उन्होंने फिल्म चाहे गुरदास मान साहब गिरजा शंकर जी सारे उन्होंने शागिर्द ने मैं भी उन्होंने शागिर्द हाँ तो मैनू सीगा मैं एक्टर बना और मैं ट्रेनिंग लई तो ब्ल गाना मेरे साडे ब्लड सीगा मेरे फादर साहब खुद गायक सीगे तो मैं फिल्मा भी कीतियां हवाएं फिल्म की मिट्टी फिल्म की खेड़ तकदीरां दी फिल्म की गीत भी किए एल्बम्स भी आईया बॉम्बे भी आए इतने स्ट्रगल भी किया सारा कुछ मुकाम पा लिया फिर कनेडा चले गया एज ए रेडियो होस्ट लम्मा समा रेडियो पर काम किया एज ए आर जे और जो सारा कुछ आ गया तो फिर जो अपने मुल्क लई सोचते सी अपने लोगों लई सोचते थे तो जहन दे विच गल आउंदी सी भी तू तो इत्थे आ के सैट हो गया तो अपने जिहड़े मुल्क दे दबे कुचले लोग ने गरीब लोग ने जिन्हों को एजुकेशन है नहीं जिन्हों को प्लेटफॉर्म ही है नहीं उन्हों की आवाज़ कौन बनेगा तो मैं सारा कुछ छड़ के मैं पंजाब दे विच आया और मैं तीन इलेक्शन लड़िया दो हारिया तो जी जितया और जीवन दे विच मेरी एक तमन्ना नो बॉडी नोज़ वैन वट हैपन कोई नहीं जानता कदों की होना पर मैं इस तरह का काम करना चाहना कि जो मैं इस दुनिया के ना होव घट्टो घट लोग मैं याद कर भी किसी बंदे ने चंगा काम किया इस भावना दे नाल मैं अपनी जिंदगी दे विच काम करना चाहना और बहुत परमात्मा ने कृपा की है जे आर्टिस्ट ना दिता है जे एक्टर ना दिता है जे एन आर आई बाहर गए उत्थे ना दिता समाज सेवी के तौर पर ना दिता हुण एज ए पॉलिटिशियन ना दिता जो इन चीज़ा थोड़े को आ जाए तो फिर थोड़ा भी फर्ज बनता कि तुम भी जरूर अपने लोगों लिए कुछ ना कुछ करो जिहड़ा होवे मैं ये गल कहिंदा हुंदा सीगा कि जदों मैं एम एल ए बनया मैं सिर्फ एक रुपये सैलरी दे काम करांगा मैं सिर्फ एक रुपया चार्ज करांगा ओनली वन रुपी चार्ज और अज भी मैं एक रुपये तनखा दे काम कर रहा जिनी मेरी सैलरी आ जिनी मेरी तनखा जिने पत्ते ने वह सारे मैं गरीब बच्चियां जिन्हों को सैकल है नहीं जिन्हों का एक्सीडेंट हो गया तुर नहीं सकते उन्होंने ट्राई सैकल जोड़े वो भी नहीं चला सकते उन्होंने बैटरी वाला ट्राई सैकल मैं अपनी तनखा दे विचों लैके देना ये मेरा विजन है ये मेरी सोच है कि मैं अपने लोगों लिए कुछ करा वो किन्ना फर्क पैंदा किन्ना नहीं पैंदा मैनू नहीं पता इस गल का पर मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं जरूर कोई ना कोई नवा मार्गदर्शन पैदा करा ता कि अपने जिहड़े लोग ने इन्हां लंबे समय तो जिहड़े बहुत गुरबत दी जिंदगी बतीत करदे आ तुसीं अलग अलग स्टेटां दे विच चले जाओ पंजाब तो बहुत अच्छी स्टेट है पंजाब दे विच लोग अच्छी रोटी खाते हैं बहुत सारिया स्टेटां विच चले जाओ लोगों को जुत्ते नहीं है पैरों च पाउण लई चप्पल है नहीं पैरों च पाउण लई चंगा खाना नहीं खा सकते और कपड़े नहीं उन्हां कोल चंगे पैण पीण वाला साफ पानी नहीं है कितों कितों लिया के उन्हां नूं पानी पीना पैंदा इहो जिहे मुल्क दे विच जिथे सब तो वड्डी डेमोक्रेसी होवे और सब तो वड्डी एक ताकत बन दी समर्था होवे इहो जिहे मुल्क दे विच मैं तां इह मंनदा अपने आप दे विच कि तुसीं उहदा हिस्सा हो इह बहुत वड्डी गल है जी। परसनल लाइफ मेरी जी मैं मेरी वाइफ कनेडियन है वियतनाम तो है कनेडियन सिटीजन है तो मेरे परिवार दे विच मेरी बेबे तो मेरा बापू मेरे भैन भरा असी सारे हाँ और परसनल लाइफ थोड़ी भी मेरी भी सारे दी इंडिविजुअल अपना बंदा जिंदगी जिउंदा पर जदों आपां दूजां लई जिउंदे आ तां उह लाइफ दे विच बहुत सारे चैलेंजेस ने बहुत सारिया मुश्किलां भी ने बहुत सारिया खुशियां भी ने उहदे विच ते उहदा बैलेंस जदों करके चलदे आ क्योंकि मैं पॉलिटिक्स दे विच मजबूरी दे मारे नहीं आया मेरे खानदान दे विचों कोई पोलीटिकल लाइन दे विच नहीं है नॉट ए सिंगल परसन मैं पहली बार पॉलिटिक्स दे विच आया और एम एल ए बनया और मैं ये चीज़ नूं ऐ समझना कि परमात्मा ने मैन मेरे तो कोई चंगा काम करवाना इस करके मैनूं ये मौका दिता सो मैं अपनी परसनल जिंदगी जिहड़ी है वो भी बहुत
वधिया तरीके ना मेरी वाइफ जिहड़ी आ उह नॉन इंडियन आ जी, उहनूं इंडियन कल्चर की समझ नहीं, ना जबान बोल सकती आ ना उहनूं इंडियन खाना वह खा सकती है, उन्हों का अपना वो है सारा सिस्टम। पर उन्हें मैनू इन्नी इनकरेज किया कि मैं अपने लोगों लिए कुछ करा, उन्हें मैं कनेडा दे विच रह के मैं फंड भेजती सी, मैं हरेक महीने पैसे भेजती सी कि मैं लड़ाई लड़ा, और जिदा अपने मुल्क ना कोई लैन देन नहीं, अगर वो इन्ना प्यार कर सकते अपने मुल्क नूं, आपां तां इस मुल्क दे विच रहने ना। सो मैं बेनती करदा जिन्ने आपां जिंदगी जिउने आ परसनल जिंदगी, कोई छोटा भावें कोई छोटी जी दुकान करता, कोई व्यापार करता, कोई बड़ा कारोबार करता, कोई गवर्नमेंट जॉब करता, आपां सब नूं अपने मुल्क लई जरूर सोचना चाहिए। अगर तुसीं अपने मुल्क नूं प्यार करदे हो ना जी, तो मैं समझदा तुसीं खुशकिस्मत हो, अपने मुल्क लई जरूर सोचो, अपने मुल्क लई समां जरूर दिओ। मैं अपनी परसनल जिंदगी दे विच वी कोशिश करदा कि अपने जन्मदिन ते इक बूटा ला के उहनूं मैं पाला, उह बूटा अगे जा के किसे नूं छां देवे, किसे नूं मिठा फल देवे, और मैं कोशिश करदा जिहड़ी पोलिटिकल लाइन दे विच मैं कोई ऐसा काम करा कि जिहदे नाल लोकां नूं सकून मिल सके। कोई इनोसेंट बंदा, अनपढ़ बंदा, अनपढ़ कोई मेरी माँ, मेरा कोई बाप दी उम्र दा, वो मैं ये कहे भी ये मुंडा ठीक काम कर रहा, ये MLA ठीक काम कर रहा, इन्हें मेरा चंगा भला किया, ये दोनों बेड़िया ने जी। आर्टिस्ट लई हुंदा नेता ते विनेता दोनों के गुण सेम हुंदे आ, एक परसनल लाइफ एक पब्लिकली लाइफ, तो उन्होंने बैलेंस करके बहुत अच्छा लगता। और मैं खुशी हुंदी आ कि लोग जदों तुहानूं दिलों तुहाडे सिर ते हथ रखदे आ के पर तुहानूं दुआवां दिंदे आ कि तुसीं चंगा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। मेरी नहीं दुनिया की सब तो वड्डी ताकत दसदा मैं की है जी, सब तो वड्डी ताकत है जुबान। अगर तुहाडी जुबान चंगी आ तां तुसीं भिखारी तो राजे बन सकते हो, और अगर तुहाडी जुबान गंदी आ तां तुसीं राजे तो रंक बन सकते हो। जुबान सब तो ताकतवर हथियार आ दुनिया ते, इहदा सही इस्तेमाल करो। विचार ने दुनिया की है, जुबान बंद कर दिओ, विचारां दा आदान प्रदान बंद कर दो, दुनिया साइलेंट है, कुछ भी नहीं दुनिया दे विच। सो जिहड़ी जुबान है ये रीप्रजेंट करती है तुहाडे किरदार नूं, सारे संसार नूं, तुसीं की सोचते हो, की चल रहा। जुबान सब तो ताकतवर हथियार है। जदों आपां किसे दी चुगली करते हैं तो उहदे बहुत सारे नुकसान ने, जदों आपां किसे दी अछाई करते हैं, किसे दी किहदे गुण चंगे गुण की तारीफ करते हैं तो हो सकता उहनूं किन्नी मोटीवेशन मिलती होवे उहदे तों। सो जिहड़ी जुबान अपनी इहदा सही इस्तेमाल करो। जे तुसीं किसे दा भला नहीं कर सकते तो फिर किसी का बुरा भी करन दा तुहानूं कोई हक नहीं है। अपनी जुबान नूं हमेशा पॉजिटिव यूज़ करो, और पॉजिटिव सोच दे नाल जिहड़ी है आशावादी जिंदगी दे नाल ही तुसीं अगे वध सकदे हो। और कोशिश करो कि ये जिहड़ी जुबान है ये हमेशा चंगे काम लई इस्तेमाल होवे। कुछ नहीं पिया निंदिया चुगली च, कुछ नहीं पिया किसी नूं बुरा कहण दे विच, जे तुसीं किसी का चंगा करोगे तो लोग तुहानूं याद करनगे। इस तों वड्डी सकून वाली जिंदगी जिहड़ी है तुहानूं कोई नहीं दे सकता। तुहाडी जुबान है जिहड़ी तुहाडी बॉडी का बैलेंस कर सकती है, तुहाडी जुबान है तुहाडी जिंदगी का बैलेंस कर सकती है, तुहाडी जुबान है जिहड़ी तुहानूं तुहाडी इस दुनिया दे विच तुसीं नहीं भी तां भी तुहानूं जिउंदे रख सकती है। विचारां दा आदान प्रदान वो जिहड़ी लफ्ज़ां दी एक जिहड़ी लड़ी है जिहड़े ब्रह्मांड दे विच गूंजदे आ हमेशा, तुसीं चंगा इस्तेमाल करो। सो जुबान जिहड़ी है दुनिया का सब तो ताकतवर हथियार है, इहदा सही इस्तेमाल करो, परमात्मा हमेशा तुहाडा साथ दिंदा है। युवा पीढ़ी मैं अक्सर देखदा जिवें पंजाब तो मैं कि हरेक ने सीनियर सैकेंडरी कर ली, प्लस टू कर ली, चलो कनेडा आईलैट्स करके, आपां किहड़े पासे जा रहे हैं जी, आपां की साबित करना चाहुंदे जी। अपने देश दे विच बहुत कुछ है जी, मैं मन्नदा इस गल नूं कि पोलिटिकल लोगों दी बहुत वड्डी मिस्टेक्स हुई ने, अनपढ़ बंदे पोलिटिकल लाइन दे विच आ के वह पढ़े लिखे लोगों के राज करदे रहे, और ऐसी ऐसी पॉलिसी जिहड़ियां ने जिहड़ी उन्होंने बुलाउणियां चाहीदियां सी नहीं उन्होंने बनाईयां, और जिहदा नुकसान पूरे देश नूं होया, पूरी आने वाली पीढ़ी नूं होया। तो जिहड़ी साडी युवा पीढ़ी आ, नौजवान बच्चे बच्चियां नूं मैं बेनती करदा कि पढ़ लिख के अपने मुल्क दे विच रहो, और जिहड़ी सकून वाली जिंदगी तुसीं अपने मुल्क जी सकदे हो ना वो कितें नहीं। ठीक है दुनिया घूमण वास्ते बनी आ, घूमो फिरो, दुनिया घूमो, हरेक मुल्क दे विच जाओ, इंजॉय करो, पर अपने मुल्क दे विच रह के तुसीं अपने मुल्क नूं स्ट्रोंग करो। जे कल्ला कल्ला 140 करोड़ लोग जे ये सोच लैन कि मैं अपने मुल्क लई जीना ते अपने मुल्क लई मरना, तो मेरा ख्याल है अपना मुल्क कदे भी पिछे नहीं रह सकता। मैं बेनती करदा कि बाहरले सुपने जिहड़े लैणे आ कि उत्थे जाके सैटल होना, तो मैं तो ये महसूस करदा कि अपना खानदान ही खत्म करने वाली गल है कि अगे तो तुहाडा कोई पिछे बचना ही नहीं। सो अपने मुल्क दे विच हाँ कमियां पेशियां ने, तो कमियां पेशियां नूं
सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार रख के तुसीं उह कमियां पेशियां नूं उभारो, सरकारां नूं अवेयर करो, दसो ये डिबेट्स दे विच इह गल होनी चाहिए है। तुसीं रोज़ एक दो तीन चार पाँच दस भी बंदियां नाल विचार चर्चा करो कि आपां नूं की करना चाहिए, आपां नूं की करना। मैं अक्सर एक गल कहना, जे आपां साइकिल लैणा होवे ना, आपां सलाह करदे हां कि साइकिल कि कंपनी का वधिया। जे मोटरसाइकिल लैना होवे तां आपां सलाह करदे हां किहड़ा मोटरसाइकिल वधिया, किहदी एवरेज अच्छी है। गड्डी लैनी होवे तां सलाह करदे हां। जे आपां अपने किसी बच्चे का भैन भरा का रिश्ता करना होवे तां किहड़ी कोख करदे हां। और जदों आपां वोट पाउणी है आपां अपने गुआंढी नाल अपने सगे भरा नाल भी गल नहीं करते, क्यों? जिहड़ा सब तो अहम देश नूं अगे वधाउण वाला, जिहदे नाल तुहाडीआं जॉबां, जिहदे नाल तुहाडी महंगाई, तुहाडीआं खाण वालीआं चीज़ां, तुहाडा हवाई सफ़र, तुहाडा रेलवे का सफ़र, तुहाडीआं जिहड़ीआं तुसीं कपड़े पाउंदे हो, जो तुसीं खाने पीने, उहदे रेट जिहड़े आ कौण तय करदा जी? सरकारां। जदों चुणन की बारी आउंदी है तां आपां सलाह नहीं करदे, जरूर सलाह करिआ करो। सो जरूरी है कि आपां सारे मिल के जे पॉजिटिव सोच नाल अगे चलांगे तां मेरा ख्याल है कि जिहड़ी नवें नौजवान बच्चे बच्चियां ने तां उहनां दा भविख अपने देश दे विच जिन्ना बेहतर है उन्ना किते नहीं। मैं कनेडा पिछे जे विजिट करके आया, उत्थे बच्चे बच्चियां बड़ी अजीब किस्म दा स्ट्रगल कर रही हैं, कम है नहीं। जिहड़ा प्रोफेशनल लोग ने लिख के बाहर लाता कि नो जॉब फॉर स्टूडेंट, किवें बहुत औखा हुंदा जी एडजस्ट करना। पर जे तुसीं अपने मुल्क दे विच, आपां अपनी ना धी भैण नूं कल्ले बाज़ार नहीं भेजदे, ये साडा कल्चर है भी नहीं नहीं ये छोटी इहनूं कल्ले बाज़ार नहीं भेजदे, नाल किसे नूं भेजदे आ। और असीं हज़ारां किलोमीटर अपने बच्चों कल्ले छड्ड देने आ, ठीक है ना, ये गलत गल है। सानू अपने बच्चों नू ये प्रिपेयर करना चाहिए, और ऐसी एजुकेशन का स्तर, ऐसा साडा हैल्थ सिस्टम होना चाहिए कि असी इत्थे रह के तंदुरुस्ती नाल अच्छी एजुकेशन लैके अपने मुल्क दे विच रह के अपने मुल्क नू ही अगे वधाइए और अपनी जिंदगी नू अगे वधाइए।